पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद मुरादाबाद द्वारा परिषद के अध्यक्ष संदीप बडोला के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय मुरादाबाद में विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, रोडवेज, व्यापार कर, विकास प्राधिकरण, विकास भवन के साथ और भी सैकड़ों विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मोटरसाइकिल रैली जिला चिकित्सालय से पीडब्ल्यूडी, गन्ना विभाग, सिंचाई विभाग होते हुए पीलीकुटी आयुक्त कार्यालय से जिला कार्यालय पर समाप्त हुई। रैली के दौरान उपस्थित कर्मचारी संबोधित करते हुए अध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति उदासीन रवैया बनाया हुआ है। विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति वर्षों से लंबित है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर बाइक रैली निकाली गई, जिसके बाद एक ज्ञापन एमपी मुरादाबाद को भी सौंपा गया। ये है कि प्रदेश में विभागों में कर्मचारियों के नियमित पदों पर भर्तियां नहीं की जा रही हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारी संवर्ग के पद को पूर्ण रूप से मृत घोषित कर दिया गया है। नियमित पदों के सापेक्ष संविदा पर भर्ती की जा रही है और समान कार्य, समान योग्यता और उसके बाद कर्मचारियों के एक एक तिहाई वेतन पर संविदा पर रखा जा रहा है। उन शिक्षित बेरोजगारों के साथ ये सरकारें निश्चित रूप से उनके परिवारों के साथ कुठाराघात कर रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि संविदा वर्चार्ज के कर्मचारियों को नियमित किया जाए, पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए, जो हमारी चौथे वेतन आयोग से लंबित वेतन विसंगतियां उनको दूर किया जाए और केंद्र के समान प्रदेश के राज कर्मचारियों को भत्ते प्रदान की जाए। सरकार वो तो नहीं कर रही है, वरन 50 वर्ष की सेवा पर जबरन सेवानिवृत्त किया जा रहा है। तो ये आज इस प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक जनपद में मोटरसाइकिल रैली निकालकर प्रदेश सरकार का ध्यान कर्मचारियों की समस्याओं की ओर आकर्षित करने का काम किया है। हमने इससे पहले 6 सितंबर को पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में धरने के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि प्रदेश में विकास कर रहे हैं, प्रदेश का चारों ओर विकास हो रहा है, लेकिन उस विकास कार्य में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इस प्रदेश का राज्य कर्मचारी, उन विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उन कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। और इस प्रदेश का विकास, संपूर्ण विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि इस प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं कर दिया जाता। आज निगम का कर्मचारी सातवें वेतन आयोग का लाभ उसको नहीं मिल रहा है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर प्रदेश सरकार को ध्यान देना होगा और आज उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए हमने मोटरसाइकिल रैली निकालकर जन जागरण कार्यक्रम किया है।